हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में हस्तकला के बारे में। आज हमारा यह फोर्थ पार्ट होगा जिसमें हम और कौन कौन सी हस्तकला हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले वाले तीन पार्ट नहीं देखे हो मित्रों, ज़रूर देखें। उसमें तमाम प्रकार की जो बातें बताई हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने लायक, तो आप ज़रूर देखिए। जो आज स्टार्ट करता हूँ मैं, नेक्स्ट छपाई कला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, राजस्थान में सब छपाई कला है ये कहाँ की फेमस है। ये जयपुर व बाड़मेर की, कहाँ की, जयपुर और बाड़मेर की ये छपाई कला फेमस है। और इसका काम कौन करते हैं, बाड़मेर की बात करें मित्रों, खत्री जाति के छिप्पे। ठीक है, छपाई से याद आया आपको कि छिप्पे कौन करते हैं, खत्री जाति के छिपे। इसी प्रकार बात करें जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर नाम देवी जाति के छिपे ये छपाई का काम करते हैं। और अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी छपाई होती है और क्या क्या नाम है, उसमें किस किस रंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम रंग देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं अजरक प्रिंट। ठीक है, ये अजरक प्रिंट की बात की मित्रों मैंने, इसमें जो रंग प्रयुक्त होता है वो काला, कथई रंग। कौन सा रंग, काला कथई रंग अजरक प्रिंट के अंदर उपयोग में होता है। और जो अजरक पेंट है कहाँ की फेमस है, तो मित्रों आपको याद रखना बाड़मेर, जहाँ पे सर्वाधिक आपने देखा राजस्थान के अंदर पशुधन पड़ाए थे। मैंने बात की थी जो अधिकतर पशुधन कहाँ पे थे, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार याद रख सकते हो आप अजरक पेंट कहाँ की हैं, बाड़मेर की। और दूसरी प्रिंट बात करें मलिर प्रिंट, इसमें जो रंग प्रयुक्त होता है वो मित्रों काला लाल रंग, काला लाल रंग प्रयुक्त होता है। और ये भी कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की। ठीक है, इतनी बात हो गई, फिर बढ़ता हूँ नेक्स्ट आगे। और जो नेक्स्ट हैं वो हैं बगरू प्रिंट। मित्रों बगरू से याद आया मुझे, ठीक है, बगरू कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर। तो ये हो गई जयपुर की फेमस। रंग की बात करें तो इसमें काला लाल रंग, बस आपको अजरक का याद रखना है, काला कथई रंग, बाकी वाले सब हैं बगरू मलीर, इसमें काला लाल रंग। और इसी प्रकार बात करें मित्रों सांगानेरी प्रिंट की, सांगानेर कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है जयपुर के अंदर। और ये सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की फेमस है। इसके अंदर भी रंग की बात करें तो रंग सेम कौन सा, काला लाल रंग। ठीक है, तीन में सेम रंग हो गया, मलिर प्रिंट, बगरू प्रिंट और सांगानेर प्रिंट, तीनों में आपको याद रखना है काला लाल रंग। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रिंट है वो बात करते हैं, वो है मित्रों दाबू प्रिंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल से क्या है। तो मित्रों जो प्रिंट हैं, क्या नाम बताया मैंने आपको, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूँ इसके रंग के बारे में, तो मित्रों दाबू प्रिंट या इसे बोलते हैं दर्जा प्रिंट। ठीक है, इसका रंग है आगे वाला तो वही काला लाल, इसमें पीछे आपको और लगाना है नीला, तो काला नीला, काला लाल नीला रंग किस कौन सी प्रिंट से संबंधित है, तो आपको बताना होगा दाबू प्रिंट। अब मैं बात करता हूँ कि ये दाबू होता क्या है मित्रों,
तो दाबू मित्रों, कि जैसे कि आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, और कपड़े के माना कि आपने इस बाग के आपके छपाई करनी नहीं है, इस बाग के आपके छपाई नहीं करनी, इसको खाली छोड़ना है, तो क्या करते हैं कि इस बाग को किसी की चाहिदा से दबाते हैं, जैसे कि मिट्टी हो सकती है, ठीक है, और मॉम हो सकता है, लुई हो सकती है, इस जगह को उससे दबा देते हैं, ठीक है, यही कहलाता है दाबू प्रिंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और राजस्थान के अंदर अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग दाबू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस बताई किस किस से, जब मोम मिट्टी वगैरह इनसे दबाते हैं, गेहूँ बालू मिट्टी वगैरह, तो हर जगह पे अलग अलग दबाते हैं, जिसके कारण भी नाम अलग अलग पड़ा है, जैसे कि मोम का दाबू। तो मोम का दाबू कहाँ का फेमस है मित्रों? ये सवाई माधोपुर का। ठीक है, ये जगह भी आ रही साथ में, ध्यान रखना। गेहूँ का दाबू की बात करें, वो है मित्रों जयपुर का फेमस। साथ के अंदर मैंने आपको बगरू सांगानेर पढ़ाया, ठीक है, वही जगह बगरू सांगानेर। और बालू मिट्टी, बालू मिट्टी की बात करें तो बस से याद रखना आपको बाड़मेर, और इसी बस से याद रखना बालोतरा, ठीक है। बालू मिट्टी कहाँ पे, तो बालू मिट्टी का दाबू कहाँ का फेमस है, तो मित्रों बालोतरा बाड़मेर, ठीक है। और मैंने अजरक पिंड बताया था आपको अभी, ये अजरक पिंड होता क्या है इसके बारे में बता दूँ आपको थोड़ा मित्रों, कि सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े के एक तरफ सफाई करना, ये सूती कपड़ा है, इसके एक तरफ सफाई करें, दूसरा खाली छोड़ दिया, तो एक तरफ सफाई करना क्या कहलाता है, अजरक पिंड। और इसी प्रकार मलिर पिंड की बात करें, अगर तो आप दोनों तरफ सफाई कर रहे हो, तो दोनों तरफ सफाई उसे बोलते हैं मलिर पिंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। और विशेष रूप से आपको बात करें तो ये दाबू प्रिंट हैं, चित्तौड़गढ़ की फेमस हैं, ठीक है। तो कौन सा गांव है, अकोला गांव जो छपाई के लिए फेमस है, अकोला गांव प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे इस प्रिंट को आजम प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, अकोला गांव प्रिंट को आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट, या फिर मित्रों दाबू प्रिंट। और इस प्रिंट के अंदर कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो वो है मित्रों लाल, काला, हरा रंग, ठीक है। और साथ में बात करें तो यहाँ छपाई होती है घाघरे की, छपाई के लिए फेमस है। तो मित्रों मैंने जितनी भी बातें थी आपको मैंने बताई, किसके बारे में, छपाई के बारे में, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, जिससे आपको और नए से नए वीडियो मिलती रहे। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए मैं और कौन कौन सी कलाएं हैं, उन कलाओं के बारे में बात करता हूँ। तो मित्रों नेक्स्ट हमारी जो कला है वो है दर्पण मिरर। कांच होते हैं, वो काम कहाँ पे किया जाता है, कहाँ का फेमस है दर्पण मिरर का काम। तो मित्रों ये जैसलमेर का फेमस है, कहाँ का, जैसलमेर का, ठीक है।
और जैसलमेर के अंदर कौन करते हैं? जैसलमेर में ये काम सर्वाधिक मुस्लिम जाति की महिलाएं करती हैं। कौन? मुस्लिम जाति की महिलाएं सर्वाधिक काम करती हैं। ऐसे लोग दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो कौन करते हैं? मुस्लिम जाति की महिलाएं। ठीक है। और जो मिरर हैं, ये मिरर का काम क्या कहलाता है मित्रों? कि घरों की कच्ची दीवारों पर, ठीक है, ये देखिए, ये घरों की कच्ची दीवार है, यहाँ पे क्या करते हैं? ऊपर कपड़ा लगाते हैं, ठीक है, ये कपड़ा टांग दिया, और इस कपड़े पे कांच की जड़ाई करते हैं डिजाइन के द्वारा, और तो इस डिजाइन को बोलते हैं मिरर। ठीक है, यानी कांच जड़ना क्या कहलाता है? मिरर। इसी प्रकार बढ़ता हूँ आगे, और नेक्स्ट छपाई कला के बारे में बात करें तो एक नाम है मित्रों, पोकरण पोटरी। पोकरण से आपको पता चला कि पोकरण कहाँ पे है? जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें कपड़े के घोड़े, तो आपको बताना बाबा रामदेव जी, ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है पोकरण? तो ये भी पोकरण जैसलमेर, बाबा रामदेव जी घोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पोकरण जैसलमेर के फेमस हैं। इसी प्रकार आगे बात करता हूँ मामा जी के घोड़े। मामा जी के बारे में मैंने बात की थी मित्रों, जब राजस्थान के लोग किताब पढ़ाए थे, ठीक है, उनके आप जहाँ वहाँ जाके बात देख सकते हो। और ये घोड़े कहाँ के फेमस हैं? जालौर ज़िले के अंदर एक गाँव है हरजी गाँव, और हरजी गाँव जालौर के मामा जी के घोड़े फेमस हैं, और इनको वर्षा के लोक देवता बोलते हैं। लोग जब बारिश नहीं होती है तो इनके थान पे जाते हैं और पूछते हैं कि बारिश कब होगी, तो वहाँ के भोपे होते हैं जो वो बताते हैं कि इस दिन से बारिश स्टार्ट होगी, तो बोलते हैं वर्षा के लोक देवता किनको? मामा जी को। फिर दो चार नाम एक्स्ट्रा इसी प्रकार हैं, वो बताता हूँ आपको। एक में तो होता है पेच का काम, ठीक है, ये पेच वर्क कहाँ का फेमस है, बस आपको नाम याद रखना है। ये सिखावटी चित्र का फेमस है। एक होती है छट्टा पट्टी, ये कहाँ का फेमस है? ये भी सिखावटी का। जरी देते हैं, आपको बताओ कि जरी का काम होता है वो कहाँ का? जयपुर का। पाव रजाई, ठीक है, पाव रजाई मतलब एक छोटी रजाई होती है जो एक बहुत ही पतली रुई से बनी हुई होती है, ठीक है, जो आपको पाव को ढक ले और ठंड नहीं लगती, इसके अंदर कहते हैं जो जयपुर की फेमस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक होती है कला, होती है कुंदन कला, ठीक है, ये क्या होती है मित्रों? सोने के आभूषण होते हैं, उन पे रत्नों की जड़ाई करते हैं। आपने देखा और खरीदते हैं सोने चांदी आप, तो आप अगर कोई जैसे कि आप एक हार खरीदा तो वहाँ पे रत्न की जड़ाई होती है, तो स्वर्ण आभूषणों पर रत्न की जड़ाई क्या कहलाती है? पेचवर्क। पेचवर्क क्या? कुंदन कला। ठीक है, और इसी प्रकार जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, और नई वीडियो लेता लेके आऊँगा जिसमें और कौन कौन सी कलाएँ हैं राजस्थान में, उन सभी कलाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।